नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। आज स्टूडेंट्स, हम आपके लिए कुछ स्टडी की वीडियो नहीं लेके आए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज इंडिपेंडेंस डे है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीरियस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक सैनी। मैं दिव्यांग सैनी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में एक क्राइसिस है, कोरोना वायरस COVID-19। अब वायरस, ये वायरस वर्ल्ड में बहुत परेशान कर रहा है, हमारी जो पब्लिक है उसको परेशान कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इससे बचने के लिए सबसे पहले जान लेते COVID-19 है क्या। स्टूडेंट्स, COVID-19 है हमारा वायरस जो जिसका डायमीटर है 120 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल साइज है, आपको दिखाई भी नहीं देगा आपका आपकी बॉडी में एंटर कर गया। स्टूडेंट्स, इससे बचने के लिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है आपकी डेथ भी हो सकती है इससे, तो स्टूडेंट्स आपको इससे बचना है, अपनी लाइफ को सेव करना है, क्योंकि लाइफ जो है भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बनाई है और हर किसी को लाइफ नहीं मिली। तो ये आपको लाइफ मिली है, आप इसको ढंग से जिए और अपनी लाइफ को सेव करके रखें। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बता दूँ। कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं बेसिकली खांसी, जुकाम और बुखार। स्टूडेंट्स, जब आप अपने अंदर फील करते हैं कि आपको खांसी है, जुकाम है, आपको सांस लेने में कमी हो रही है, तो आप अपना चेकअप कराएं, COVID-19 चेकअप। तो स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, आपका जो डर है, जो आपका वहम है, वो दूर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इससे बचने के लिए वो आपको सर बताएंगे आपको क्या क्या करना है, क्या आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। हाय स्टूडेंट्स, ये जो COVID-19 यानी कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कहाँ पे कैसे करके फैलता है, तो स्टूडेंट्स हमारे ये जो नोज़ है, यहाँ से इसके वायरस या फिर माउथ से इसके वायरस क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में जाके क्या हो जाते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेते हुए इससे आपको बचना है, क्योंकि ये पीरियड, ये जो है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको 2021 में एग्जाम्स भी देने हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में पूरा का पूरा क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताने वाला हूँ जिसका आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए, आप मास्क लगा कर रहिए, और आप क्या करिए, ये अगर आपको कोई डाउट है अपनी हेल्थ पे, तो आप उसका चेकअप जरूर कराइए। स्टूडेंट्स, अपने घर में एक हैंड वॉश रखिए, जब आपको लगे मैं बाहर से आया हूँ तो आप नहा भी सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायरस है स्टूडेंट्स, ये वायरस किसी में भी हो सकता है, आपके सामने है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, आपको मास्क भी पहनना है, क्योंकि मास्क इतना इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना मास्क के, क्योंकि एंटर कहाँ से कर रहा है, माउथ से, नोज से, तो क्या है। और आपको अपने हाथों से, जब आप बाहर हैं, आपको अपने हाथों से अपनी नाक कान इनको टच नहीं करना है, जब आप टच करना है, जैसे आपको कोई खुजली वगैरह हो, तो आपको अपने हाथों को ढंग से हैंड वॉश करें और सैनिटाइजर भी लगाएं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या होगा, इससे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस है बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, क्योंकि साइंस का जादूगर किसके लिए डेडिकेटेड है, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि पढ़ाई में आपको कैसे ध्यान देना है, क्या करना है। हाय स्टूडेंट्स, तो आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको मालूम होगा कि इंडिपेंडेंस कब हमारे इंडिया को मिला था, ये था 15 अगस्त 1947। स्टूडेंट्स, ये जो इंडिपेंडेंस मिला, ये काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद जाके मिला स्टूडेंट्स। तो आज इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्टूडेंट्स। और आपकी स्टडी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इस लॉकडाउन टाइम में स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, और आप इस टाइम को पूरा का पूरा यूटिलाइज करिए स्टूडेंट्स। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम, स्टूडेंट्स आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास एक क्रूशियल टाइम से आपकी कुछ छुट्टियां हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप घर में बैठे हैं, घर में बैठे स्टूडेंट्स आपका एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है कि टाइम पास कैसे करें। स्टूडेंट, टाइम पास आपको करना है, लेकिन टाइम पास के साथ आपको स्टडी भी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे लाइफ का बेसिक नीड क्या है,
एक तो फूड है और दूसरा है नॉलेज। तो नॉलेज हमें लेनी है स्टडी करके। तो स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे तभी आपको आपका करियर अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स आप स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। साइंस का जादूगर की टीम आपके लिए पूरी मेहनत कर रही है। क्लास टेंथ में साइंस एंड मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं हमारे वीडियोज लेक्चर लेके। आप हमारी वीडियोज लेक्चर लें, उससे आप नोट्स बनाएं। यदि आपको कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट करेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, साइंस का जादूगर पेज है इंस्टाग्राम। स्टूडेंट्स इससे आपको क्या फ़ायदा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। यदि आप कोई वेबसाइट पे जाएंगे आपको 5000 पर मंथ ये आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो साइंस का जादूगर की टीम है ये आपके लिए फ्री डेडिकेटेड है। स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी है आप हमारे पास क्वेश्चन को भेजें, उसका स्क्रीनशॉट ले गए, उसका फोटो खींच के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें अपनी लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि आपके पास और कोई काम है नहीं, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है। तो आप अपने जो दिन का टाइम टेबल है उसमें से 2 या 3 घंटे अपनी स्टडी को दें, या फिर अगर आप ज़्यादा स्टडी करें तो आप अच्छा टाइम दें। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करें। स्टूडेंट्स आप उससे दूर ना भागें, क्योंकि जब आप अपने जो आपका लक्ष्य है आप उससे दूर भागेंगे तो दूर भागते ही चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ आप पढ़ाई करें, ठीक है, पढ़ाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 10 साइंस एंड मैथमेटिक्स हम आपको पूरा दे रहे हैं। एक एक चैप्टर हमारा सब में कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अभी हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, थर्ड चैप्टर पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पे जाएंगे, जो हमारे टोटल चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म करके स्टूडेंट्स हम कुछ पढ़ेंगे स्पेशल टॉपिक्स बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूँ कुछ इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो अभी नई डिस्कवरीज हुई। हम धीरे धीरे स्पेशल वीडियोज आपके लिए बीच में डालते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे क्या है आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।